Assalamu alaikum dear students, welcome into the online class of Functional Biology 2. ये class BS Chemistry third semester के लिए है और ये Functional Biology 2 की class है जिसमें हमारे पास आज का जो topic है वो है factors initiating elementary evolutions, changes, evolutionary changes में first of all हम micro evolution को discuss करेंगे के माइक्रो इवोल्यूशन क्या है. सो माइक्रो इवोल्यूशन इज़ द चेंज इन द जीनोम आर जीन पूल किसी भी इंडिविजुअल किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो टोटल जेनेटिक मेकअप है, टोटल जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है या टोटल जो नंबर ऑफ जीन्स है उनके अंदर जो हमारे पास चेंज आ जाए फॉर अ गिवन स्पीशी इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम बाई द अल्टरनेशन ऑफ सक्सेसफुली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल विद इन अ पॉपुलेशन. और ये एक जियोलॉजिकल टाइम के लिए और शॉर्ट टाइम के लिए या शॉर्ट पीरियड के लिए जो चेंज आ जाती है और इस चेंज से हमारे पास यानी सक्सेसफुली वो अपनी रिप्रोडक्शन को भी मेंटेन रखते हैं अपनी पॉपुलेशन में, यानी न्यू ऑर्गेनिजम्स जो है यानी न्यू ऑफस्प्रिंग्स जो है उनको भी हमारे पास डिवेलप करते रहते हैं या प्रोड्यूस करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीनोम में बेसिकली यानी जेनेटिक मेकअप जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता रहता है. सो हमारे पास कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस है जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्श है बाकियों से और ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे पास इनको अडॉप्ट करते हैं ताकि वो इन कंडीशन में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव कर सके. सो कुछ एरियाज़ है जहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रेशर जो है वो स्टेबल है और ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं और यानी कोई भी हमारे पास नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन एग्जिबिट नहीं करती, जबकि इन नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन में अलील फ्रीक्वेंसी जो है यानी नंबर ऑफ अलील जो है या आपके पास अलील की जो आपके पास ट्रांसफरिंग है फ्रॉम चेंज एक्सचेंज है फ्रॉम मदर पेरेंट्स ट्रांसफरिंग या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं या फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी, ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम में हमेशा रिमेन रहती है यानी कॉन्स्टेंट रहती है क्योंकि हमारे पास किसी भी किस्म के चेंजेस जो है वो ऑर्गेनिजम्स नहीं लेके आता. सो वो अपने आप को उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेता है और ये फिनोमेना बेसिकली जो है ये हमारे पास जर्मन का एक फिजिशियन है वेनबर्ग और एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन भी है हार्डे, और वेनबर्ग और हार्डे इन दोनों ने ये बेसिकली इंडिपेंडेंटली इस पर काम किया है 1908 में और इनकी कंबाइंड एफर्ट्स जो है इसको आज हम हार्डे वेनबर्ग इक्विलिब्रियम मॉडल के नाम से भी याद रखते रहते हैं और ये बेसिकली एक अलहदा टॉपिक भी है आपका हार्डे वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, इसको भी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.